यस सर, योर तो स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल। अच्छा तो 2021 इस साल जो नया साल है, तो उसके लिए मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर तो कह ही रहा हूँ। ये मैंने किसी ग्रुप में देखा, अपने नए इसमें भी मैथ्स के ग्रुप में भी देखा, तो मैंने आगे भी शेयर किया, मैंने अपने सभी स्कूल वालों से शेयर किया। तो हैप्पी न्यू ईयर, मैंने क्या लिखा उनके साथ कि 43 × 47 इज इक्वल टू 2021 एंड इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव प्राइम्स। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं, तो आगे भी अपन शेयर कर सकते हैं। मैथ्स के टीचर है, थोड़ा मैथ्स जानना चाहिए। तो ये थी बात। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो एक बार मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे वो चीज़ यहाँ पे लाने में। एक गीता का एक श्लोक है, और वो श्लोक है 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, और वो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आपसे साथ शेयर कर दूँ, तो एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। किसी को आइडिया हो तो बताएं, या फिर मैं एक बार इसको स्क्रीन शेयर करूँगा तो शायद हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रहा, ये दिख रहा है क्या आपको सबको सर? ये शायद शास्त्री यस सर, यस सर, कहते यस हैं। सर। तो कोई भी अच्छी दिन की शुरुआत करनी चाहिए, या कोई मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई अच्छी अच्छी चीज़ से शुरुआत करें। तो मैंने को ये श्लोक बड़ा अच्छा लगा, जिसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी है। तो 17वां अध्याय है, और इसमें लिखा है जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो यहाँ अपन चतुर्युगी, अपन को सबको पता होगा, वैसे सब अपन इंडियंस हैं और अपन जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर भी मैं एक बार, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताना, कि जहाँ मैं गलत हूँ मुझे सही करना आप सब। तो चतुर्युगी, यस चतुर्युगियाँ चार होती हैं, है ना? चतुर्युगियाँ चार होती हैं, तो उनमें से सबसे पहली होती है सतयुग, फिर आता है त्रेता, बाद में आता है, फिर आता है द्वापर, और फिर कलयुग, है ना? तो चार चतुर्युगियां, तो 1000 चतुर्युगी, चतुर्युगी, ठीक है? और इसका तो दिन दिन का टाइम हो जाता है, एक ब्रह्मा जी का एक दिन का टाइम हो गया, ठीक है जी? और 1000 चतुर्युगियां फिर से एक रात होती है, तो पूरा एक दिन मिला के 2000 चतुर्युगियों का हो गया इस हिसाब से। तो ये शायद इस श्लोक में लिखा हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो शेयर करूं आपसे। और चतुर्युगी आपको पता है कि सतयुग, चार जो युगियां होती हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग से बनती है। और कलयुग मेरे ख्याल से 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है, उसका दुगना शायद त्रेता, यानी 8,64,000 साल का, और उसके बाद इस तरह से इसी का डबल करते जाओ तो फिर त्रेता आ जाएगा, और फिर सतयुग आ जाएगा, इससे द्वापर और सतयुग आ जाएगा। तो इसका डबल करते जाओ, तो एक चतुर्युगी देख लो आप कितने साल की हो जाएगी, डबल करते चले जाओ, तो × 2 कर दो, 8 × 6, 8,64,000 × 2, और अगर मैं इसी को, या इसको हम कर देते हैं ×, और ऐसे ही 8,64,000, अगर शायद मैं, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो जाऊँ तो आप मुझे करेक्ट करना आप सब। तो मेरे को लग रहा है 4,32,000 को एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो कलयुग हो गया। 4,32,000 को 2 से करेंगे तो ये हो गया द्वापर त्रेता, और 4,32,000 को अगर हम 3 से करें तो त्रेता, और 4,32,000 को अगर हम 4 से करें तो ये हो जाएगा सतयुग। इतने सारे सालों के बाद एक चतुर्युगी बनती है, और ऐसी 1000 चतुर्युगियों का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और 1000 चतुर्युगियों का एक रात होती है। नरेश सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर हाँ रहा जी, हूँ। मे बी वेट। कोई ज्वाइन करना चाहता है, शायद आपको ज्वाइन नाउ पे करवाना पड़ता है क्लिक, या अच्छा ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। मे बी सम वन आर अच्छा वेटिंग इन द रूम, तो या तो अच्छा आप मुझे बना दीजिए प्रेजेंटर अगर कोई ऑप्शन होता है तो डेट ठीक आई है कैन, ठीक। बिकॉज आपके यहाँ से आवाज आ रही है ज्वाइनिंग की, प्लीज। अच्छा हाँ, सर मैंने ज्वाइन करा लिया सर, ठीक है, हाँ जैसे ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बस ये छोटी सी बात मैंने कहा शेयर कर लूँ आपके साथ। तो और भी ऐसे एक और चीज़ मैंने देखी थी,
अपन रामानुजन के बारे में अपन पढ़ते हैं, रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन है, अपने इंडियन मैथमेटिशियन, उनका एक मैजिक स्क्वायर था, उसके बारे में पढ़ा था मैंने। तो उसके जैसे ही हम खुद का भी एक स्क्वायर बना सकते हैं, खुद की डेट ऑफ बर्थ का भी स्क्वायर बना सकते हैं, और बच्चों को भी बोल सकते हैं कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी एक स्क्वायर बना सकते हैं। पर वो मेरे से कहीं मिस हो गया कि उसमें की वैल्यूज़ डालनी पड़ती है एन की। तो अगर आपको किसी को पता हो तो वो आप ज़रूर शेयर करना। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई हमारी, तो शुरुआत सब टीचर्स ज्वाइन हो गए हैं, तो अपन ये डिस्कस करना शुरू करते हैं मीटिंग के बारे में, है ना। नितिन अरोड़ा जी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो सर आज की मीटिंग अपन ने रखी है, फिर से अपन ज्वाइन हो रहे हैं। इस बार हमारा थर्ड वीक कंप्लीट हो गया है और फोर्थ वीक में हम एंटर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या क्या हमने करा है, सबसे पहले वीक में हमने 10th की NCERT हमने टाइप करी थी। 10th की NCERT में कुछ परसेंटेज रह गया था, तो वो भी करीब करीब कंप्लीशन पे आने वाला है, कंप्लीट होने वाली है। तो फिर सेकेंड वीक में हमने 10th और 12th के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर टाइप किए थे। फिर थर्ड वीक में उसी क्वेश्चन पेपर का जो सेट जो दिया था, उसी का सेट 2 और सेट 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, वो हमने टाइप करे। तो इस तरह से हमने इतने सारे जो क्वेश्चन हमने टाइप किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन बैंक अपने पास तैयार हो रहा है। तो मैं चाह रहा था सर से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, प्रवीण सर से, कि सर आप थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे अपन इनको क्वेश्चंस को, है ना, अलग अलग करके दिखा सकते हैं, मतलब हमको कैसे ये काम आ सकता है ये। हाँ जी, अच्छा, वेरी लो वॉइस मुझे लग रहा है आपकी, मेरी आवाज़ बहुत कम है क्या सर आपने? नहीं सर, मुझे सुनाई तो आ रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैम ने एक लिखा था, कौशल्या मैम ने लिखा था कि भाई आप आवाज़ कम आ रही है, तो सर ठीक है मैं मेरी कोशिश स्क्रीन दिख करूँगा। रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, दिख रही है। एक मिनट। हाँ सर, ये कुछ काम आपके सामने दिख रहा है और कुछ और अभी शो होने वाला है। ये देखिए अच्छा, इसमें प्लीज। आई सबसे थिंक सो रिक्वेस्ट, माई स्क्रीन इज विजिबल। बिल्कुल सर आपकी स्क्रीन विजिबल है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सर की स्क्रीन को पिन अप कर लें ताकि ये बड़ी हो जाए और आपको साफ दिखे। जी हाँ जी, थैंक जी यू। हाँ एक सर छोटा सा बताएं। इंट्रोडक्शन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी हाँ जी, हाँ जी बताएं सर, सर। जी जी सर, आप मनोज सर बोल रहे हैं, मनोज ठाकुर सर। हाँ जी सर, ये जी तो जी हमने तो तीसरा हफ्ते या चौथे हफ्ते में एंटर कर रहे हैं सर। ये हमारा ग्रुप का नया नाम है, इसका नाम हमने रखा है स्मार्ट टीचर्स, इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टीचर। और उसमें सर सर ने बोला कि मैथ्स का कुछ नाम इसमें डालो, मैथ्स तो लग ही नहीं रहा इसमें, तो फिर अपन ने इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टीचर्स लग दिया। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है ना क्वेश्चन पेपर्स वगैरह इतने सारे टाइप करने पड़ते हैं हर साल, और मैथ्स टाइप जी करना तो बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए, तो टाइम जी कंज्यूमिंग भी होता है। तो एक बैंक तैयार हो जाए, और जिससे जी क्या है जी कि अपने बैंक तैयार हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, उसमें एनसीईआरटी भी अपनी छाप लेंगे अपन पूरी, और सारे दोनों 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर्स क्वेश्चन है 10th के 12th के, वो सारे अपन टाइप कर लें। तो अगर ये सारे टाइप हो जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसका म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लें प्लीज, ताकि नॉइज थोड़ा सा कम हो जाए। तो हमारा एम यही है कि अपना क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कोई ऐसी बैंक देखी है क्या? क्वेश्चन है, मैं अभी कौन तक नहीं सा? हाँ, एक बैंक, है भी तो पीडीएफ फॉर्म में है। हाँ, ये मुझे लगता है वर्ड में तो पहला प्रयास बिल्कुल मेरे बिल्कुल, समझ में है। हाँ जी सर, मनोज सर। जी तो मैं इसको इस तरह से दूसरे तरह से समझाना चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाहूँगा, सब बड़े हैं मेरे से, तो मैं तो खाली शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपन कोई ऐसे प्रैक्टिकल अपन पैसे जमा करने वाली बैंक देखें जिसमें हमें 5 रुपये डालें और हमें 100 रुपये मिल जाए, 5 रुपये डालें और 100 रुपये मिल जाए, और वो भी कितने दिन में, सिर्फ हफ्ते भर में, एक हफ्ते में 7 दिन। तो ये हमें, और पता है क्या है इसमें खास बात, आपने वो वाली स्कीम देखी है? तो इसमें हमारे क्या है कि मुझे यही लगता है कि ये वाला जो हमारा बैंक है ना, बहुत ही बढ़िया बैंक है ये स्मार्ट टीचर्स वाला। हम 5% काम करते हैं और 100% हमको रिटर्न मिलता है हफ्ते भर के बाद के, हमको 100 क्वेश्चन करीब करीब मिल जाते हैं। पाँच पाँच क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर 20 जने काम कर रहे हैं तो। अगर ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो आप हिसाब लगाओ कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा काम है। और एक बात और है कि अपन जैसे आपने लॉटरी वाला सिस्टम देखा, लॉटरी वाला जिसमें हम सारे पैसे डालते हैं, पूल बनाते हैं कि सारे कुछ जो है ना पार्ट जो लोग हैं ना वो थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, फिर किसी एक की लॉटरी खुलेगी
और फिर वो पैसा सारा ले जाएगा और फिर हर हर बार ऐसे होगा। पर यहाँ ये वाली लॉटरी तो मुझे ऐसे लग रही है कि कि 5 रुपए डाले हैं आपने और हफ्ते भर के एंड में 100 रुपए हर कोई लेके जा रहा है यहाँ से, तो है किसी को नुकसान ही नहीं है। तो नरेश सर हाँ जी सर, एक सेकंड हाँ जी नितिन सर, सर, आप तो मेरे को 10 रुपए ही दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। अरे नितिन अरे सर, नितिन सर करोड़ों ले लो यार, ऐसी क्या बात है। नहीं, आप तो 10 दे दो, 5 रुपए ले लो, 10 एक हफ्ते में दे दो। अच्छा मतलब पर सर तो ये चाहते हैं डबल दे दो, बस बहुत है, हमको इतना गुना नहीं हाँ, चाहिए तो पर सर ये क्या है, सर। ये अगर आप कन्वर्ट करो ना इन जो क्वेश्चंस को, आप वर्ड में टाइप कराने का 65 पूछो किसी से, तो आपको पता लगेगा यार अपन ने कितनी मेहनत करी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं सभी, पर मिल रहा कितना है, बहुत कुछ मिल रहा है अपन को सर, है ना। तो मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा अपन क्या, अपन थोड़ा सा मोटिवेटेड होना चाहिए ना, कि भाई थोड़ा सा 5% काम करने के लिए रेडी तो होने चाहिए ना। तो उसमें आलस अगर हम कर देंगे ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल प्रवीण सर अगर अलाउ करो तो मैं एक बार और शेयर करूंगा एग्जाम्पल, एक या थोड़ी देर बाद। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो सर, हाँ तो सर मैं सॉरी, मैं ये चाह रहा था सर कि क्योंकि संडे है आज और लोगों का मैं चाहता हूँ टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, संडे एंजॉय अच्छा करना चाहते हैं सभी, और दूसरा 2021 स्टार्ट हो चुका है हाँ तो जी हाँ मे जी भी कुछ पर्सन प्लानिंग भी कर रहे होंगे फैमिली के साथ आउटिंग के लिए भी, हाँ जी हाँ तो जी हम चलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सेशन को कंप्लीट करें, तो मैं भी कुछ प्लानिंग करूँगा आज की मेरी। सॉरी जरूर जरूर सर सर जरूर। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया नहीं नहीं था। सर, मेरे तो बकवास चल ही चालू रहती है, तो बंद ही नहीं होती है। तो आप तो करो अपना शेयर कीजिए जरूर, ठीक है सर। सबसे पहले आप शुरू किए तो आप सर दिखाने वाले हैं, तो मैं सर से बता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप बताओ कि हम इसको फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये सैंपल पेपर बना रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, इसके हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको, तो आप सर बताएंगे इसको प्लीज सर। कैन आई स्टार्ट सर? हाँ जी सर प्लीज। थैंक यू सो मच नरेश सर, थैंक यू एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए और सुनिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उसी समय रोक करके इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट यू कैन आस्क, बट मैं सर मेरी स्क्रीन दिख रही है नरेश सर? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है सब टीचर्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पिनअप कर दीजिए ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको थोड़ा। सर मेरे को और नहीं दिख रही है सर, मेरे को स्क्रीन तो नहीं दिख रही है, स्क्रीन अच्छा मैम, तो आपको अच्छा फिर से अब नहीं नहीं दिखी, दिख अब रही है। वापस सर एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। अच्छा हाँ मेरी स्क्रीन सर कंटिन्यू देखिए, शेयरिंग पे ही है आई थिंक सो, बाकी सभी को दिख रही अच्छा होगी। हाँ, तो ऐसा करिए मैम, आप प्रवीण वो सर वो पिन करेंगे तो अपने आप नजर आएगी, हम सबको दिख रही है आपकी स्क्रीन। हाँ हाँ, ठीक, जिनको नहीं दिख रही तो प्रवीण सर के प्रेजेंटेशन उसको पिनअप कर लीजिए। एंड वेलकम यू ऑल, माय नेम इज प्रवीण खंडेलवाल एंड आई एम पीजीटी मैथमेटिक्स इन महावीर पब्लिक स्कूल, रिनाउंड स्कूल इन जयपुर सर। एंड हमने जो जर्नी शुरू की थी, ज्यादा समय नहीं आई थिंक सो 20-21 डेज हुए होंगे, थर्ड वीक इज गोइंग ऑन, और जो कुछ हमने किया है उसका मैं एक सैंपल आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि लाइक मेरे सामने एक पेपर है 2020 का जो कि क्लास 12th का है, और हम जो वर्क कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वर्क कैसे करना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। एक फाइल जो वर्क की हुई आई हुई है उसमें सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर 4 चैप्टर 5, एंड द सेम विल गोइंग ऑन फॉर क्लास 10th और 9th, वॉट एवर क्लास वी आर गोइंग ऑन। मैंने यहाँ पे कमांड दिया पूरी फाइल में कि सॉर्ट करिए मेरी फाइल को कॉलम 2 के अंदर नंबर के अकॉर्डिंग, और कमांड देते ही मेरे पास नीचे देखिए फाइल के अंदर चैप्टर 1 सबसे पहले आ गया है, क्वेश्चन चैप्टर 2 का, उसके बाद चैप्टर 3 नहीं होगा मे बी, चैप्टर 4 आ गया, देन चैप्टर 5 एंड सो ऑन। तो आई थिंक सो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे फाइल में यानी कि हमने जो डिजाइन किया हुआ है उसमें काम करने का क्या फायदा है। सपोज कीजिए कि मुझे हॉट क्वेश्चंस ही मेरे बच्चों को सेलेक्ट करके देने हैं, एग्जाम हो रहा है स्कूल का, और मुझे फर्स्ट टर्म के पेपर में या फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बच्चों को केवल हॉट क्वेश्चंस ही देने हैं, या मुझे लगता है कि इजी पेपर बनाना है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाले ए से यू से जो मैंने शुरू किए हैं वो पेपर ही बच्चों के पास जाना चाहिए, ज्यादा पेपर हार्ड नहीं बनाना है, उनको कई बार इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं
स्कूल के अंदर, सॉरी एक मिनट, कि हमें हमारा जो पेपर है वो उस अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है कि इजी पेपर बनाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, सॉर्ट आउट कर रहा हूँ लास्ट कॉलम नंबर 6 को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए प्लीज, ये मेरा जो क्वेश्चन टाइप हुए थे वो ए, मतलब ए वाले से आगे टाइपोलॉजी जो हमने ए डिसाइड किया है, देन उसके बाद सी आ गया, देन के आ गया, एंड इस तरह से मैंने जो टाइपोलॉजी डिसाइड की हुई है, के फॉर नॉलेज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, और सर ए फॉर क्या बताया था हमने नरेश सर, इसमें ए एप्लीकेशन, भी सर ए फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेशन, बेस। हाँ यस यस, ई फॉर तो इवैल्यूएशन। हम जो वर्क कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा है कि मुझे आज अगर क्वेश्चंस को अरेंज करना है चैप्टर वाइज, क्वेश्चन के नंबर वाइज, 1 मार्क के क्वेश्चन ही मुझे वर्कशीट में लेने हैं या मुझे हॉट क्वेश्चंस ही लेने हैं, तो वह मैं उसे मैं अरेंज कर सकता हूँ। दूसरा, हमने अभी तक कुछ पेपर डिजाइन कर लिए हैं, सामने आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 से 15 का कुछ पार्ट्स आ रहा है। यहाँ पे हमने हर एक टीचर को 50 रोज अलॉट की थी जिसमें उसे वर्क करना था। जैसे 901 से 950 वाली रो में काम नहीं हुआ है तो वो ब्लैंक हुई हुई है, 951 से काम हो गया, आगे 1000 तक की रो मिली थी, लेकिन ये ब्लैंक इनकम्प्लीट नहीं है क्योंकि उस पर्सन को दिया हुआ काम था 1 वीक का, जो 951 से स्टार्ट होके 972 पे ओवर हो गया, यानी कि करीबन उसको 22-25 क्वेश्चन मिले होंगे, 30-32 के आसपास, सॉरी 951 से 72 तक। तो ऐसे ही आगे वाले काम चल रहे हैं। देखिए ये 1001 से हमने वर्क दिया था किसी दूसरे टीचर को, 1001 से 1050 तक का उसका ब्लॉक था, और 150 से पहले ही हमने 50 रोज दी थी, तो उसने काम कंप्लीट कर दिया 1019 के अंदर जाकर के। फिर नीचे रोज खाली है, तो खाली का मतलब काम इनकम्प्लीट नहीं है, काम कंप्लीट है बट वो उसका वर्क वही खत्म हो गया, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टीम वर्क। तो हम एक पर्सन का काम कितना कम हो सकता है ये नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है, और ये 1051 से ऐसे ही आगे चलता है। हर एक के आगे टाइपोलॉजी ए यू लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट टीचर वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो सकता है वो भी नंबर 2 3 ऐसे मेंशन है, और एक्सरसाइज के नंबर भी 13.12 से मेंशन है। और एक और बात इंपॉर्टेंट, हम जो यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट कि 13.1 के अंदर ये एक एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 4 एंड सो ऑन है, यानी कि हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं यहाँ पर, नॉट ओनली क्वेश्चंस ओनली, हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं यहाँ। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया कि किस तरीके से हम एक रो और कॉलम वाले फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं। थोड़ा मैं इसको और डिटेल बताऊं कि जब आप आगे हमसे जुड़ते हैं, जो भी न्यू पर्सन, तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ऐड करते हैं जो आपके सामने है, इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टीचर का एक ग्रुप। जब आप उस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में डेस्क्रिप्शन ओपन होगा, उस डेस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है हमारे पास, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक गूगल शीट ओपन हो जाती है। गूगल शीट के अंदर हमने शीट 1, शीट 2 और शीट 3 असाइन की हुई है जो नीचे आपको दिख रही है। शीट 1 में हमने मेनली फर्स्ट वीक का वर्क, शीट 2 में सेकेंड वीक, एंड शीट 3 में थर्ड वीक का जो वर्क असाइन किया हुआ है। स्क्रीन पे आपके सामने हमने एनसीईआरटी जो फर्स्ट राउंड में हमने स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है, और जो पेंडिंग वर्क है कुछ रो रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किए, और उसमें से भी बहुत कुछ हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 बचे हुए हैं। तब आप व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपका काम मेनली यहीं से स्टार्ट होता है, आप प्रोडक्टिविटी यहीं से जनरेट करते हैं अपने आप में। वो कैसे कि जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ही आपको बहुत सारे लिंक अवेलेबल होंगे। सपोज मैंने किसी टीचर को वर्क दिया एनसीईआरटी का करने के लिए,
तो जो एनसीईआरटी का वर्क है वो अपलोड कहाँ करना है, उसको करने के बाद अलॉट क्या हुआ वर्क, वो ऊपर से शो हो रहा है लाइक ये रहा कि जैसे 17 नंबर पे राजेश सारस्वत जी है, उनको चैप्टर 14 अलॉट हुआ है, रो 801 से 850 तक वर्क करना है। जब वो काम कंप्लीट कर देंगे तो उन्हें अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए लिंक यहीं पर अवेलेबल है, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मेरे को जो वर्क मिला था वो मैंने देखा, मेरे को वर्क मिला वो मैंने टाइप करा। टाइप किस शीट में करना है, MS वर्ड की किस फाइल में करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। करने के बाद यहाँ पे वो टीचर अपना वर्क अपलोड करके सबमिट कर देगा। यहीं पे ही जो टीचर जिस काम को करेगा तो वो यहाँ पे एनसीईआरटी का जैसे लिंक अवेलेबल है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उस टीचर के पास जो शीट डाउनलोड करनी है उसे एमएस वर्ड की, वो ओपन हो गई। ये ओपन हो चुकी है शीट जिसमें उसे वर्क करना है। 1 से 50 रोज तक हमने दी हुई है यहाँ पे, मतलब 50 रोज आपको अलॉट है हर एक शीट के अंदर। देखिए ये भी 50 रोज है एक के अंदर, और नीचे टाइपोलॉजी भी है लिखा हुआ कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, और कुछ जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स आते हैं वो भी। मैं यहाँ फाइल में गया, फाइल के अंदर डाउनलोड ऑप्शन पे गया, डाउनलोड ऑप्शन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे पास ऑफलाइन डाउनलोड होके मेरे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आ जाएगी। और सेव करने के बाद आप उस पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे मुझे एग्जाम्पल नंबर है तो एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है, आपको वर्क अलॉट वहां टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पूरा आ जाएगा उसके मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। द क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क और 2 मार्क और ऐसे टाइपोलॉजी जो हमने बताई आपको। तो वर्क यहाँ करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टीचर, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको एक्सेस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टीचर्स के एडमिन से। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लिंक को क्लिक करके आप इस फाइल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एनक्रिप्टेड है ये सारा हमारा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा, आपसे वो एक्सेस के लिए मांगेगा, और जब तक हम एक्सेस नहीं देंगे तब तक आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन हो गया, जो भी आपको वर्क मिला है, अगर आपको पास्ट ईयर पेपर मिले हैं तो पेपर्स का भी लिंक सामने है, और अगर आप किसी को इनविटेशन लिंक भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और काम शुरू करने से पहले एक कंसेंट फॉर्म है जो सभी को भरना होता है, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से पहले ये एक कंसेंट फॉर्म है जो आपके सामने ओपन हुआ है। ये नेम ऑफ टीचर, स्कूल, सिटी, और अगर आप जो ऑप्शनल है तो मतलब आप देना चाहें मोबाइल नंबर, और आप विलिंग टू वर्क है, आपको पता है 5% वर्क करके और हम 100% ले सकते हैं, 25 to 35 क्वेश्चन पर वीक करने एंड सो ऑन। और फाइनली सबमिट का बटन दबाएंगे, सबमिट का बटन दबाने के बाद थैंक यू का ऑप्शन आएगा और आपके पास व्हाट्सएप का इन्विटेशन लिंक आएगा, और जो टीचर्स नए जुड़े हैं उनको पीडीएफ फाइल जो शेयर हुई थी कल रात को उसमें ये लिंक अवेलेबल है, और व्हाट्सएप का इनविटेशन लिंक भी इसके सबमिट करने के जस्ट बाद आ जाएगा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनली वी आर वर्किंग ऑन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीचर। अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म शायद नहीं है जैसा बताया भी कि जो एमएस वर्ड की फाइल एक्सेस करने के लिए एक साथ वर्क हम कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपने YouTube के लिंक शेयर करें, आप अपना एडवर्टीजमेंट करें, नो। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा एक टीम वर्क होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, देखिए जैसे 1 or 2 टीचर लेफ्ट कर गए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे हम काम करने वाले टीचर्स ही यहाँ पे है। आप चाहते हैं कि मैं काम नहीं करूँ तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन टाइप करेंगे जितने नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ेंगे, और हमको करीबन मान लीजिए उसका 20 से 30 गुना अभी मिल रहा है। सर मैं शायद, हो सकता है नरेश सर बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टीचर्स अपनी क्वेरी रखना चाहे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी जो कुछ पूछना चाहता है अगर कोई, तो प्लीज मुझसे एक आप क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ टाइपिंग। बेटर होगा कि अगर आप
मुझसे कोई क्वेरी करे। कुछ भी क्वेरी हो सकती है कि सर आपको कोई टीचर बीच में छोड़ जाएगा तो क्या होगा, या एक्स वाई सर प्लीज। परमिट सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप एक चीज बताना भूल गए कि जी बताएं प्लीज। अगर इन केस किसी वीक कोई टीचर काम नहीं कर पाए तो हाँ नेक्स्ट वीक अपना वर्क पूरा कर सकता है, दैट हाँ इज अ सर बेस्ट थिंग, हाँ सर, ये आप बताना भूल गए। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारे ग्रुप में से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी थी, नरेश सर ने क्या है कि कुछ गूगल फॉर्म इस तरीके का जनरेट कर दिया कि टीचर्स को लग रहा है कि सैटरडे इवनिंग तक तो काम सबमिट करना ही करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कुछ इमरजेंसी भी हो जाती है या कुछ रीजन है तो आप उस काम को थोड़ा डिले करके, लेकिन मैं एक कंफर्म ये करना चाहूंगा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर उसके कारण से टीम वर्क तो इफेक्ट करेगा। हाँ थोड़ा हम लेट हो सकते हैं एज पर सबकी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यस सर, एनी अदर जो मुझसे कुछ और बात करना एक्सक्यूज चाहेगा। मी प्रवीण सर। यस मैम प्लीज, संतोष सैनी जी बताएं। यस सर। सर मैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुई हूँ। मैंने बहुत फर्स्ट जो इनविटेशन आया था वो मैंने अटेंड किया था, उसके बाद की मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर पाई हूँ। नाउ आई वांट टू ज्वाइन योर इंटीग्रेटेड स्मार्ट टीचर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं मैम, जो कल पीडीएफ शेयर हुई थी, नहीं सर मैं उसमें भी नहीं हूँ। अच्छा उसमें भी नहीं है, ठीक है मैम। आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्योंकि उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म जो शायद आपके सामने ओपन हुआ है, ये रहा, नहीं ये नहीं है, एक कंसेंट फॉर्म भी होता है वो हमें फिल करवाना होता है, उसके बाद ही हम करते हैं। तो मैं आपको कंसेंट फॉर्म पर्सनली भेज दूंगा मैम, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। और मेरा सर आप मुझे नंबर, नंबर बताइए प्लीज। मैं नंबर बता देता हूँ, 9351 यस सर। 614371। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मेरा नंबर, थैंक यू सर। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भेज दिया है। यस आप प्लीज नंबर नोट कर लीजिए, और मेरी पीडीएफ के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। जी थैंक यू मैम। सर। गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग आई एम संडे। कर्नन फ्रॉम चेन्नई सर। यस प्लीज सर, टेल मी योर क्वेरी। हाँ यस सर, आई एम ऑल्सो नॉट देर इन एनी व्हाट्सएप ग्रुप सर, कैन यू प्लीज इंक्लूड दैट इंटीग्रेटेड मैथ्स ग्रुप टीचर्स सर। यस सर, एक्चुअली फॉर एवरीवन इट इज नॉट पॉसिबल प्रेजेंटली टू ज्वाइन ऑल द टीचर्स इन अ ग्रुप। आई हैव जस्ट टेक्स्ट मैसेज, माय मोबाइल नंबर इज देयर, हाँ यस सर, यू कैन प्लीज नोट डाउन दिस नंबर एंड सेव इट, एंड यू जस्ट सेंड मी द व्हाट्सएप टू ऐड इन द ग्रुप, एंड डेफिनेटली वी विल ऐड ऑल द टीचर्स इन दैट ग्रुप, दोज हु विलिंगली वांट टू वर्क विद अस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी सर, कैन आई प्रोसीड फर्दर सर, थोड़ा और आगे बताएं हम। यस सर, प्लीज प्रोसीड सर। यस यस सर, एक मिनट। हाँ मुकेश जी, प्रवीण, आई एम मुकेश शर्मा फ्रॉम डीएवी जयपुर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आप मटेरियल शेयर करेंगे उसको हम किस तरह से यूज कर पाएंगे, मतलब उन क्वेश्चंस को एज इट इज यूज कर पाएंगे या उसमें कुछ चेंज करके, हमने उसके लिए कुछ प्रोविजन रखा है क्या? वरना तो अगर हम, एक एक मिनट सर, अगर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक को बच्चों से भी शेयर कर दिया, क्योंकि कुछ टीचर हो सकता है पढ़ा रहे हों, तो उस हाँ। केस में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि बच्चों के पास ऑलरेडी ये सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं बताऊं सर, जैसे देखिए आपके सामने एक फाइल है मेरी ओपन है जो एनसीईआरटी की है, और इस एनसीईआरटी की फाइल को जब हम किसी टीचर को देते हैं जो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, क्योंकि हम गूगल फॉर्म भरवाते हैं एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग देयर वर्क। सपोज कीजिए मेरा एनसीईआरटी 12th क्लास स्टार्ट होगा अब इस वीक से, एनसीईआरटी 12th क्लास। और मैं थोड़ा सा बीच में और एक इंटरप्ट करूंगा, बहुत अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी का काम बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि वन ऑफ आवर टीचर इन द ग्रुप उन्होंने ये मुझे कहा है कि सर एनसीईआरटी 12th क्लास ऑलरेडी अवेलेबल इन द वर्ड फाइल, होल एनसीईआरटी 12th क्लास वर्ड फाइल में अवेलेबल है, और नॉट ओनली 12th क्लास अदर क्लासेस आल्सो अवेलेबल, बट आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स हियर, बट ओनली क्वेश्चंस आर अवेलेबल एंड दे आर नॉट इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट दैट वी वांट। तो हमारा काम बहुत हल्का होने वाला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द पर्सन दैट वांट टू विलिंगली शेयर द थिंग्स विद अस। तो हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल बहुत सारा आने वाला है जैसा मुझे लगता है, बट उसे हमें अरेंज करने की जरूरत है, बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जहां रो कॉलम में ही वर्क होगा, ये हमारी कंडीशन है।
दूसरा जो हमारा सारा जो वर्क है वो रो कॉलम में भी सारे कॉलम्स भरे होंगे, कुछ कॉलम्स खाली रह जाते हैं, तो वो कुछ उनकी कमियां हैं जो हम रेक्टिफाई करते रहेंगे। अब मुकेश शर्मा जी आपके मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, मैंने अगर एक फाइल शेयर की जो सामने है आपके, मैंने ईमेल के थ्रू ये फाइल उन्हीं टीचर्स को जाएगी जो उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लाइक एनसीईआरटी क्लास 10th में हमने करीबन 25 टीचर्स को जोड़ा था, और 25 टीचर्स को जोड़ने के बाद 25 टीचर्स को जोड़ने के बाद करीबन 20 टीचर्स ने अपना काम किया, लेकिन 5 टीचर्स ने अपना काम नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन। मे बी कुछ टीचर्स को लगता है कि अदर वे में मत लीजिए कि पका पका है माल मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए, सॉरी, बिकॉज हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्क उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी हमारी यही प्लानिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। तो जो हमारे पास वर्क आता है वो ईमेल के थ्रू आता है, आपका ईमेल उसमें लिंक होता है। मान लीजिए 20 टीचर्स ने मुझे शेयर किया, तो 20 टीचर्स ने मुझे शेयर किया तो 20 टीचर्स का जो भी एक एक फाइल आई है, वो फाइल हम उन 20 टीचर्स को ही कॉमनली शेयर कर देते हैं जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है। यानी कि केवल वो ही एक्सेस कर पाते हैं उस फाइल को जिन्होंने उस वर्क को किया है। दूसरा, जब हमारे पास फाइल आती है तो मेन वर्क होता है उस फाइल को कंपाइल करना, जो कि सामने आपके स्क्रीन पे है कंपाइल की हुई फाइल। मैं फिर बताऊं, यहाँ पे रोज कुछ अगर ओपन खाली है तो वो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो वर्क वही कंप्लीट हो गया है। कुछ हाँ टीचर्स ने काम नहीं किया है, वो कमी हो सकती है। तो जब ये कॉमन फाइल बनती है तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, ये फाइल आपको आपके ईमेल पे ही मिलती है और पासवर्ड से प्रोटेक्ट होती है। यानी कि कोई भी टीचर, मैं आपको बताऊं, लाइक देखिए, मैंने सपोज मेरी वन ड्राइव के अंदर ये फाइल है और मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ कोई दूसरी फाइल, तो देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर जब ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा तो पासवर्ड मांग रहा है ये, और अगर मैं पासवर्ड इसके अंदर डाल रहा हूं तो ही ये फाइल आगे ओपन हो रही है। तो डेफिनेटली अगर फाइल किसी दूसरे पर्सन के पास जाती भी है तो आप कंफर्म मानिए ये दूसरी 6 to 10 chapter का वर्क आपके सामने आ गया है। प्लीज देखिए ये जो काम हो रहा है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, तो इसलिए मुझे कोई लगता नहीं है प्रॉब्लम होने वाली है कि किसी को ये दिक्कत होगी कि सर ये फाइल कोई और एक्सेस कर लेगा। तो पहले तो आपके ईमेल पे आएगी फाइल और उस फाइल के अंदर पासवर्ड भी आपके ईमेल पे ही शेयर होगा। आई थिंक सो मुकेश जी, मैं शायद क्लियर कर पा रहा हूँ आपकी बात, बताएं सर प्लीज। जी सर थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और जो इश्यू हमारे सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर सपोज कीजिए कि कोई टीचर काम ही नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा, और या कोई टीचर लेट जुड़ रहे हैं हमारे से। मान लीजिए कि कुछ टीचर आज ही है जो जुड़ पा रहे हैं हमसे, और उन टीचर्स ने कहा कि सर मुझे तो एनसीईआरटी क्लास 10th का भी पूरा चाहिए मुझे तो, और आपने पास्ट ईयर के जो पेपर असाइन किए हुए हैं ये, तो मुझे ये वाला पेपर्स भी सारे चाहिए, तो सर क्या करूँ मैं उसके लिए। तो बहुत सिंपल है, जो हमारा 3rd week का काम चल रहा है, मान लीजिए वो हमने set 2 या 3 का दिया हुआ है उसी टीचर को, लेकिन next week जो अब हम कर रहे हैं वो हम चल रहे हैं, हमारा वर्क हो रहा है एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें एक टीचर को एक ही फाइल एक्सेस करने को मिलेगी, वो एक ही काम करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका। लेकिन नए टीचर्स अगर चाहते हैं सर मुझे तो एनसीईआरटी क्लास 10th भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको जो एनसीईआरटी क्लास 12th का काम मिल रहा है या केस स्टडी पर हम वर्क कर रहे हैं, तो सपोज जो टीचर पुराने हैं वो केवल एक ही फाइल को एक्सेस करके एक ही फाइल का वर्क कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो नए टीचर हैं जो पुराना काम लेना चाहते हैं तो 2 फाइल आप करके देते हैं, तो आप दो हमारे वर्क को ले सकते हैं जिसको हमने प्लेलिस्ट बोला हुआ है। तो प्लेलिस्ट 1 एनसीईआरटी क्लास 10, प्लेलिस्ट 2 पास्ट ईयर पेपर क्लास 12, प्लेलिस्ट 3 पास्ट ईयर पेपर क्लास 10, प्लेलिस्ट 4 सपोज की एनसीईआरटी क्लास 12 है। तो जो प्लेलिस्ट आप चाहते हो तो अपना टास्क कंप्लीट करिए, पुरानी प्लेलिस्ट के लिए भी आप हमारे से हम ले सकते हैं हमसे। यानी कि काम तो उसी रेशियो में करना पड़ेगा जो बाकी टीचर्स कर रहे हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर केस स्टडी के क्वेश्चन है तो केस स्टडी के क्वेश्चन ही शेयर होंगे।
आई थिंक सो नरेश जी, मैंने मोटा मोटा सारा बता दिया है, कुछ रह गया हो तो बताएं प्लीज सर। सर बिल्कुल सही आपने बताया है और मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया है कि क्या है, हम जो पहले जुड़े हैं तो वो भी, और जो बाद में जुड़ेंगे वो भी, लास्ट में क्या कि सबका काम बराबर हो जाएगा। आप 5-5% काम कर रहे हैं तो आपने फोर्थ वीक में जुड़े हैं तो आप अपना 4 वीक का काम, जैसे 20% काम आप सबमिट करेंगे तो आपको 400% काम मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो 5% करते हैं तो 100% मिल रहा है, 10% कर रहे हैं तो 200% मिल रहा है, तीसरे वीक का 15% कर लेते हैं तो आपको 300% मिल रहा है पूरा, इस तरह से आपका हो सर जाएगा। एक एक और डिस्टर्ब करूंगा बीच में, एक ये भी क्वेरी आई थी कि सर हमने 15 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक होगा, कोई ना कोई पेपर होंगे, तो डेफिनेटली सबके पास है, और वो एक तरह से मान लीजिए कि अरेंज नहीं है, तो हम उसको भी अरेंज करने के लिए, जब मेरे पास सपोज 500 क्वेश्चंस का कोई बैंक का क्लास 11th और 12th, तो मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे इसलिए शेयर नहीं करना चाहता किसी को भी कि मुझसे मुझे उससे क्या फायदा होने वाला है। और ऑब्वियसली सही बात है, मैं मेरे 500 क्वेश्चन जो मेरी पूरे इतने सालों की मेहनत है, मैं क्यों शेयर करूं? लेकिन जब मैं शेयर करूंगा, मान लीजिए हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मनोज जी, है मनोज ठाकुर जी, है वो शेयर करेंगे, सुनील शर्मा जी शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें जो शेयर करेगा वो ही वापस पाएगा डेफिनेटली। जो सीधी सी बात है सर कि जो इरिगेशन के अंदर पानी डालेगा सबका बराबर बराबर है, तो फसल सबको ही मिलने वाली है, ऐसा कुछ है नहीं। यस सर, नरेश सर। सर थैंक यू। अब मेरे ख्याल से सबको कोई क्लियर है और अपन मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाह रहे, 10:42 हाँ हैं, कोई सर बिल्कुल क्वेरीज वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्वेश्चन के साथ क्या इसका सॉल्यूशन भी तैयार कर रहे हैं? नहीं सर, हम ओनली टीचर्स के जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लॉट ऑफ साइट्स आर देयर जिसके अंदर सॉल्यूशन मिल जाते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। हम चाहते हैं स्कूल टीचर्स को जो प्रॉब्लम आती है, और अगर वो कोचिंग क्लासेस में भी जुड़ा हुआ है तो उसको जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम अगर पढ़ाते हैं तो हम जनरली सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चे को कभी भी, तो हमारा मेन वर्क यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टिक है मुझसे, दूसरा हम केवल क्वेश्चन से ही स्टिक रहेंगे, अभी तक हमने ऐसा ही डिसाइड किया हुआ था नरेश सर के साथ मिलकर के, क्योंकि हमारी मान लीजिए आवर्स तक के लिए, मतलब 1 1 2 2 आवर्स तक फोन पे बात होके हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है। मेन एम हमारे प्लेटफॉर्म का है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीचर। आपने लैपटॉप ओपन किया, मेरे व्हाट्सएप को लैपटॉप में चलाया, और आपका काम जो आपको 5% वर्क मिला है, जो भी जितना भी मिला है आपको वर्क, वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर एज पर योर एफिशिएंसी किया, सबमिट किया और खत्म हो गया। मतलब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको जो भी वर्क मिलेगा वो यहीं से डाउनलोडेबल है, जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरा मैं बता नहीं पाया हूं यहाँ पे। पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, मेरा क्लिक करता हूँ मैं लिंक को, इस लिंक पे क्लिक कर, सर मेरी स्क्रीन दिख रही है नरेश सर? हाँ जी सर, दिख रही है सर। गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो गया है, 10th क्लास का पेपर 2017 ईयर के हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो 2017 के 10th क्लास के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वर्क हम कर रहे हैं, पीछे आपके हम है खड़े हुए कि ये 30-1, 30-2, 30 ब्रैकेट में भी, मतलब ब्लाइंड वाले कैंडिडेट्स के लिए पेपर है, तो हम एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ए क्लिक। आप बस उस शीट पे जाइए, सब कुछ वर्क वहीं मिलेगा, लेकिन शीट को एक्सेस करने के लिए पहले आपको कुछ काम करके देना पड़ेगा, तभी हम शीट को एक्सेस करने का जो परमिशन है वो ओपन करते हैं। तो सारे यहाँ पे चैप्टर्स अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट एवरीवन, की अभी तक हमने 17 से लेके 20 तक के पेपर्स डाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, क्योंकि ये बहुत सारे पेपर्स है अपने आप में भी। 20 का देखिए ये पेपर है, जैसे लाइक यहाँ पे ये मैंने 12th क्लास का जो ये पेपर है, ये मैंने एक कंपाइल फाइल है, देखिए आप यहाँ पे हमारे पास 12th क्लास का मैंने बहुत सारे पेज, 170 पेजेस हैं, क्योंकि इस बार हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पेजेस पे आए थे, अगर आपको याद है तो
मैंने केवल इंग्लिश वर्जन यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये एक फाइल में ही करीबन मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग 170 पेजेस है, तो जहां तक मुझे लगता है 7-8 पेपर इजीली आ गए होंगे। मैं सर ऐड करूं थोड़ा सा, एंड हाँ सर मैं है थोड़ा सर सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है जी जैसे 5 रीजन्स हैं हमारे, है ना, तो 5 रीजन्स के 5 पेपर होंगे और उसके तीन तीन हाँ सेट हैं, हर एक के तीन तीन सेट हैं, हाँ तो फाइव बिल्कुल थ्री जा बिल्कुल 15 एडिशनल क्वेश्चन भी हो गए। 15 हो गए। उसके हाँ अलावा सर ब्लाइंड लोगों का अलग आता है, तो हाँ छठा क्वेश्चन पेपर वो हो गया। फिर हाँ कंपार्टमेंट जब होता है तो कंपार्टमेंट के बिल्कुल कंपार्टमेंट का पेपर और उस कंपार्टमेंट के पेपर साथ ब्लाइंड वालों का कंपार्टमेंट पेपर अलग से आता है, सर, तो मैंने बिल्कुल मैं इंटरप्ट करूंगा, मैंने इसमें बिल्कुल पूरा ऐड कर दिया है, जो ये आपको सामने फाइल दिख रही है इसमें कंपार्टमेंट के साथ देखिए ब्लाइंड वाला भी है, बी फॉर ब्लाइंड आपको दिख रहा होगा जैसा मुझे शायद पता है, और सी फॉर कंपार्टमेंट का, मतलब लेटेस्ट पूरे ऐड हुए हुए हैं ये। बिल्कुल यस सर। तो सर सर ये मैं बताना चाह रहा था, जैसे 2020 की ही बात कर रहे हैं हम, तो 2020 के कितने क्वेश्चन पेपर हैं? करीब करीब 9 क्वेश्चन पेपर हैं, पांच तो पांच जी रीजन के क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें हाँ भी तीन तीन सेट तो बन ही रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जी ब्लाइंड वालों का अलग आ जाता है, फिर कंपार्टमेंट वालों का अलग आ जाता है, ब्लाइंड कंपार्टमेंट अलग आ जाता है, और हमारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई हर साल इशू करता है वो भी ऐड कर दें, जी तो टोटल 9 कम से कम क्वेश्चन पेपर बनते हैं सिर्फ एक साल 2020 के, तो एक बड़ा बैंक बिल्कुल हो जाता है। अब उसमें से अगर हम चैप्टर वाइज अलग करें, तो चैप्टर वन के मानो मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन इस तरह से अलग कर लिए, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा बैंक बन गया सिर्फ 2020 के क्वेश्चन का ही। इस तरह से 2018 2019 के ऐसे बैंक बन जाएंगे, तो अगर हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो भाई ये 2020 में पेपर आया था और उसमें ये क्वेश्चन आए थे, तो अगर अपन उनको प्रैक्टिस कराएंगे और मतलब सिमिलर क्वेश्चन भी हैं, तो जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी है कि भाई प्रैक्टिस करेंगे, भाई एक क्वेश्चन सिमिलर है दूसरा भी वैसा ही है, तो उनके लिए रिपीटेशन हो जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे हॉट्स क्वेश्चन हम अलग कर सकते हैं, हॉट्स क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस कराएं। अभी ये टाइम ऐसा ही है कि हमारा सिलेबस तो करीब करीब खत्म हो गया सबका, अब हमें प्रैक्टिस कराना है बच्चों को, और क्लास पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, फिर बाद में अपने और जो अपना फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, तो एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए भी अगर हमारी क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाता है तो बहुत ही अच्छा एडिशनल एडवांटेज हमारे लिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क वाले क्वेश्चन कुछ अलग करके चैप्टर वन के हम एक पकड़ा सकते हैं कि भाई आपका टेस्ट है परसों, आप चैप्टर तैयार कर लीजिए और अपन बैंक बना के दे सकते हैं अपना। यस सर और वो क्वेश्चन पेपर, सर हाँ सर एंड एक बार मैं ये भी जी शेयर करता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हो इसी बैंक से बना रहे हो, तो चाहे तो आप यहाँ पे इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इसको एडवांटेज यूज कर मीन्स सकें। हमारा प्लेटफॉर्म टोटली एमएस वर्ड फाइल के ऊपर एडिटेबल मोड के ऊपर वर्क कर रहा है, हम पीडीएफ को केवल वही प्रीफर करते हैं जो हम एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जैसे सपोज कि हमें सैंपल पेपर के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं और वो हमने असाइन कर दिए टीचर्स को, और कुछ तो सर मैं बताऊं केस स्टडी तैयार भी हो चुकी है हमारे पास एमएस वर्ड फाइल फॉर्मेट में, तो हम केवल पीडीएफ वही प्रीफर करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू एमएस वर्ड फाइल फुल एडिटेबल मोड, और हम अदरवाइज कोई भी कहीं से भी लाया हुआ मटेरियल, कोई किसी के स्कूल का मटेरियल हम जनरली प्रीफर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एडेड इन लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो वो डिस्कस हम करते रहते हैं उसके अंदर, तो हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, ये बहुत अलग हट करके है, यहाँ पे हम बहुत अलग हट के वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे एक्टिव वर्कर्स ही है, अगर कोई इनएक्टिव है तो वो ऑब्वियसली उसको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो शीट वो वर्क उसी को ही जाएगा ईमेल के थ्रू जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा मेंबर जुड़ते हैं तो काम उतना ही परसेंटेज वाइज, आप तो सर नरेश सर कह रहे हैं 5 रुपए डालो 100 रुपए निकालो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 1 रुपए डाल के 100 रुपए निकालने वाला है, अगर जब शुरू हो जाएगा तो जरूर से एक पार्टी रखेंगे सर अपन। बिल्कुल सर, अपन तो क्या है, मैं तो कहता हूँ 1 पैसा निकाल के 100 रुपए निकालो ना। वेरी गुड अच्छा सर मैं बताएं एक चीज सर ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जी सर हाँ, कि एक नई चीज एडवांटेज अपना ये है, अपन को दिक्कत आती है कि भाई हमारे पास कुछ बच्चे पूरी क्लास में कोई बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं कि भाई जिनको पता लगता है कि 100 में से 100 लाने वाले हैं, और कुछ बच्चे हैं जो वीक हैं। अब वहां आती है हमारे को प्रॉब्लम कि पेपर बनाने में हमारे को जोर आता है बड़ा कि भाई इनके बिल्कुल लिए अलग क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बनाओ, उसके लिए अलग क्वेश्चन पेपर बनाओ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक होगा तो हम हॉट्स वाले क्वेश्चन अपने अच्छे बच्चों को दे सकते हैं, भैया तू और तैयारी कर, बिल्कुल वो 100% लिया, और जो फेल होने वाले हैं जिनको प्रैक्टिस करानी है उनको अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग बार बार करा के वो बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल कर सर सकते हैं, तो हमारा काम चुटकियों का हो जाता है, पेपर बनाना बड़ा चुटकियों का काम हो जाएगा हमारे लिए।
तो हमारी सर प्रॉब्लम बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। ये हमारे फाइल वर्क के अंदर यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम उसको हमारे अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज, नंबर क्वेश्चन के जो मार्क्स है मार्क्स वाइज, और अंडरस्टैंडिंग वाइज जो भी है, नॉलेज वाइज, टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग। यस सर। तो बस आई सर, थिंक सो अब सर, मोटा मोटा सारा अपन ने बता दिया है। हाँ स्टिल जी, इफ यू हैव एनी डाउट, जो भी मीटिंग के अंदर है सर, कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए मुझे सर, तो मैं आई सर विल बी हैप्पी टू शेयर। हाँ सर। एक सर बात बोलना चाह रहा हूँ। जो अपन ने गूगल अभी फॉर्म आज अपने जो एडवर्टाइजमेंट शेयर की है हमारी जो ग्रुप के लिए, हाँ तो उसमें अपन जो लिंक्स दिए हैं बहुत सारे, तो वो लिंक्स अलग अलग हमने एक बार तो सैंपल के लिए बताया कि 10th का सैंपल पेपर देख लो भाई, हाँ एक दिया हमने 10th की एनसीईआरटी देख लो आप, है ना। दूसरा जी लिंक दिया है कि आप अगर ये गूगल फॉर्म भरते हो तो गूगल फॉर्म हाँ, भरते ही आपको एक और लिंक उसके अंदर मिलेगा एंड में सबमिट करते ही, कि सबमिट वो ग्रुप, करते मिलेगा। हाँ, कि भाई आप सब एग्री हो, सबमिट करना चाह रहे हो, आप काम करने के लिए रेडी हो, तो उसमें एक लास्ट में एक आपको और लिंक मिलेगा जिसके आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। यू जी कैन ऐड योर सेल्फ इन टू द ग्रुप इफ यू आर विलिंग टू वर्क, है ना। तो वो भी हमने दिया हुआ है, तो आप बड़े आराम से ग्रुप में ऐड कर सकते हो अपने आप को और अपने काम करना शुरू कर सकते हैं। और और एक और मैं बोलूंगा, जो अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उस पीडीएफ के अंदर जुड़े हुए नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, मैंने अभी चैट बॉक्स के अंदर मेरे पर्सनल नंबर शो किया है, तो आप मुझे पर्सनली भेजिए, मैं आपको कंसेंट फॉर्म प्लस इनविटेशन लिंक, और वैसे कंसेंट फॉर्म के बाद अपने आप ही सबमिट करते ही इन्विटेशन लिंक आपके सामने आ जाएगा, बिकॉज कंसेंट जरूरी है। एक बात और सर मैं बताना चाहूँ नरेश सर, हाँ जी, कि हमने जो ये है प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने की हुई है, वी आर ऑल द टीचर्स आर ऑटोमेटिकली एड हो रहे हैं ओनली थ्रू ग्रुप इन्विटेशन, वी आर नॉट गोइंग टू एड टू एनी टीचर। आई थिंक सो सर, बिल्कुल हमने किसी को एड भी नहीं किया है जब से नहीं, नहीं हमारा ग्रुप बना है, तब से अभी तक बिल्कुल सर, सब अपने हम विलिंगली केवल ज्वाइन इन किया। बस विलिंगली ही ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ना किसी को जोड़ रहे हैं और ना हम किसी को हटा रहे हैं, शायद अभी तक हमने हटाया भी नहीं है सर, जो एक दो टीचर वर्क नहीं कर रहे हैं आई थिंक। हाँ, वो खुद ही हटना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ तो हम किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं, वो सब हम विलिंगली ऐड होना चाह रहे हैं। यस सर। एनी अदर क्वेरी सर, आई एम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प टू एनी अदर क्वेरी। मैं सर एक बात और ऐड करना चाह सर रहा हूँ। ये, हाँ सर, हाँ प्लीज मुकेश जी, मुकेश जी बताएं। मुकेश जी, ये जो इसमें वर्ड में जो डायग्राम्स आ रहे हैं आपके, वो डायग्राम्स कैसे ऐड हो रहे हैं? सर डायग्राम ऐड करने के लिए जनरली जो मुझे अभी तक तरीका आता है, देखिए मैं भी कोई बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ, हमने ये शेयर किया था मैंने नरेश सर के साथ, तो नरेश सर ने इनिशिएट लिया डायग्राम के लिए। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो एक छोटा सा एप्लीकेशन है स्नाइपिंग टूल, एमएस माइक्रोसॉफ्ट का ये शायद जी स्नाइपिंग जी टूल, जी तो सर, जी सर, हाँ स्नाइपिंग टूल से समझ हम उसको क्रॉप करके और वो वहां पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका तो गए। कोई और तरीका शायद होता नहीं, अगर होता है तो जरूर हम उस पर भी बात करना चाहते हैं कि सर देखो डायग्राम बनाने का ये तरीका होता है। अंजू मैम कुछ बोलना चाहते हैं शायद। मैं यही बोल रही हूँ सर, स्निपिंग टूल इज द बेस्ट वे टू ऐड द फिगर इन हाँ यस एनीथिंग। वी टाइप अ क्वेश्चन और उस टाइप में उसको हम, क्योंकि इट कैन बी एनलार्ज, इट कैन बी शॉर्टन, हम यस एज पर द स्पेस वी कैन हैव द एग्जैक्ट फिगर वॉट यस एवर वी वॉन्ट। एंड अंजू सो मैम, आई थिंक अदरवाइज सो यू आर अदरवाइज फ्रॉम, टेक्स्ट ऐड करना मुश्किल होता है, फिगर तो हम फिर भी बना लेते हैं, लेकिन वो जो टेक्स्ट ऐड होता है एंड प्रॉपर एंगल एंड एवरीथिंग, व्हाट एवर वी वांट एज पर द क्वेश्चन, वो नहीं हो या पाता है। तो स्निपिंग टूल या दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। स्नाइपिंग टूल लेकिन इज द बेस्ट ऑप्शन। यस मैम, अंजू मैम, एंड अंजू मैम आई थिंक सो यू आर फ्रॉम एमजीडी स्कूल, इफ आई एम आई आई एम राइट, फ्रॉम एसएमएस, महाराजा सवाई सॉरी मानसिंह सॉरी, नगर, एसएमएस, आई एम यस यस कोऑर्डिनेटर एंड टीजीटी मैम। यस यस ओके। एनी अदर क्वेरी सर मैम। मुकेश सर, सर अपना प्रवीण सर, अगर अपन दिखा सकें कैसे स्नैपिंग टूल यूज कर सकते हैं, नहीं क्योंकि नहीं सर, सर, वी नो दैट, थैंक यू वेरी मच। ओके 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 ओके, पहले और बताएं भी और एनी अदर आई क्वेरी। मस्ट से सर, दिस इज रियली अ गुड, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, आई वुड हैव ज्वाइन लॉन्ग बैक, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस एट ऑल, बीइंग इन जयपुर देन आई एम थिंकिंग दैट आई एम फार बिहाइंड नोइंग अबाउट इट। मैम सो एक दिस बार इज अ टाइम भी निकाल सकते हैं। वंडरफुल थिंग व्हिच यू पीपल आर डूइंग, आई एम रियली हैप्पी थैंक टू यू सो नो। मच मैम, आई एम योर I've मोटिवेट already sent you डेफिनेटली। the WhatsApp. As soon as I यस joined, I यस approved यस, this. आफ्टर द मीटिंग गेट ओवर मैम, डेफिनेटली आई विल सेंड यू द I was पर्सनल doing कॉपी। this thing personally, you know. I was not aware of that this it is such a big group. I was doing it myself, compiling the things on my own, this thing so that it can be used day and after. I never knew that this एक्चुअली can
यस मैम, वन मोर थिंग सर, आई वांट टू शेयर। एक्चुअली मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा था, मैं 2-3 मिनट का समय और लूंगा, बिकॉज व्हाट हैपेंड टीचर्स कि हमने आपको फाइल भेज दी, फाइल भेजने के बाद आपने हमें फाइल रिटर्न कर दी और मैंने वो शेयर भी कर दी। व्हाट हैपेंड, क्योंकि जब मैडम ने थोड़ा इतना बोला तो मैं आगे बढ़ के बता रहा हूँ, कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैंने ये फाइल शेयर कर दी, ये कॉमन सॉरी कंपाइल कर दी मैंने फाइल। व्हाट हैपेंड टीचर्स कि कभी कभी ये सामने फाइल है, सपोज कीजिए कि ये 3.6 है, मेरी स्क्रीन दिख रही है नरेश सर? हाँ जी दिख रही है सर। और किसी टीचर ने गलती से 3.7 कर दिया, तो ठीक है मैंने मेरी फाइल में तो इसको चेंजेस को कर दिया, लेकिन आपके पास तो वो शेयर नहीं हुआ, तो ये तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में चाहते हैं हमारा काम एरर लेस हो। तो हमने उसका भी पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सर्वर, ऑन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव सर्वर। तो उसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही थी कि 100 में से शायद 20% 25% टीचर ही उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे थे, जो आपके सामने मैं बता भी देता हूँ आपको, देखिए ये रही, सॉरी एक मिनट, ये रही, ये तीन फाइल्स है जो वन ड्राइव से है लिंक, लेकिन इस फाइल को लिंक बहुत कम टीचर्स कर पा रहे थे, क्योंकि एवरीवन इज फैमिलियर विद गूगल, नो वन इज फैमिलियर आई थिंक सो, इवन आई वाज आल्सो नॉट फैमिलियर विद द सेम। अब ये सामने फाइल ओपन हो गई है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो ये पासवर्ड ओपन डेस्कटॉप ऐप पे होगा, तो डेस्कटॉप ऐप बहुत सारे टीचर्स का इसलिए नहीं चल रहा था बिकॉज उनके पास एमएस ऑफिस का पुराना वर्जन था, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो हमने इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे जो वर्क कर पा रहे हैं, तो वो दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेट फॉर देम एंड फॉर अस आल्सो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर पाते हैं जो कि सर्वर के ऊपर है वन ड्राइव, तो मान लीजिए रियल टाइम में सारा होगा, अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा देन द सेम विल अपीयर ऑन योर फाइल आल्सो ऑलवेज एंड एवरी टाइम, और अगर आप चेंज करेंगे तो वो भी होगा, लेकिन वो थोड़ा बियॉन्ड द थोड़ा सा हमारा अभी आज के सब्जेक्ट से हटके हैं, तो उस बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सर एडवांस आ जाता है जिसके बारे में। दैट इज एडिटेबल फॉर्मेट आपने लिया है, उसको शेयर कर रहे हैं कोलैबोरेटिव वर्क, सो दैट कैन बी शोन। यस कोलैबोरेशन, बट मैम एक्चुअली इन गूगल कोलैबोरेशन वर्क वेरी स्मूथली, बट इन माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेशन डू नॉट वर्क वेरी स्मूथली। ओके ओके, सम लाइक एडवांस फीचर और जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट विंडो और जेन्युइन एमएस ऑफिस इज रिक्वायर्ड। बट इवन आई हैव माइक्रोसॉफ्ट 10, आई डोंट थिंक आई हैव बियॉन्ड दैट 8 और 10, सो विल इट वर्क? No, it will work on Windows 10, but actually maybe कि 2010 के बाद का ऑफिस भी होना चाहिए जैसा मुझे शायद पता, because I am having 2019 original version of MS Office, so इसलिए मुझे लगता है मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, वो तो उनको ज्यादा पता लगता है। ओके यस सर, एनी अदर थिंग्स सर, सो कैन वी बताएं सर नरेश सर? हाँ जी सर, तो द थिंग इज वी डिसाइडेड दैट वी विल बी वर्किंग ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आपके पास 50 रोज आपको शेयर कर दिया है शीट में, तो यू कैन डाउनलोड दैट शीट, यू कैन वर्क ऑन इट एंड देन पोस्ट इट इन द गूगल फॉर्म्स लेटर, सो दैट इट कैन बी कंपाइल्ड, है ना? तो ये सारा अपन कंपाइल बाद में कर सकते हैं। ये जो अपन ऑनलाइन अपन शेयर्ड फोल्डर यूज कर रहे हैं वन ड्राइव का, वो सारे यूज नहीं कर पा रहे, तो हमने ये फिर दूसरा अल्टरनेटिव निकाला है कि चलिए अपन एक कॉमन फाइल जो है 50 रोज की या 100 रोज की शेयर करते हैं। 50 रोज वाली फाइल एनसीईआरटी के लिए है जो अपन काम असाइन कर रहे हैं, 100 रोज वाली हमारी फाइल जो है पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के लिए है, क्योंकि पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, वो टाइप किया, उसके बाद उसका सेट टू और सेट थ्री टाइप करेंगे, उसी के क्वेश्चन उसके बाद आपको मिलेंगे, तो वो उसी के नीचे आप टाइप करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो यू कैन प्रेफर टू टाइप इन द 100 रोज क्वेश्चन, 100 रो वाले में टाइप कर सकते हैं। ओके ओके सर, आई थिंक सो वी शुड थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। अभी ऑनलाइन टीचिंग होने की वजह से जो स्कूल्स लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसके वेरियस मोड सामने आ रहे हैं,
तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वेरियस तरीके के कोई किसी तरीके से, तो जैसे गूगल फॉर्म में भी ले रहे हैं और हम ऑनलाइन वैसे पीडीएफ फॉर्म में शेयर करके बच्चों से रिटर्न में भी ले रहे हैं, तो उसमें जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसपे भी थोड़ा सा वर्कआउट करके कभी हमें कोई एक नेक्स्ट मीटिंग में अगर उसको शेयर करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैंने लास्ट टाइम ऐसा कुछ शेयर भी किया था, लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा बियॉन्ड द सब्जेक्ट आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है जयपुर से, अगर मैं बात करूँ जो भी पर्सन है, कि 15th of January से या उसके जस्ट बाद स्कूल ओपन हो जाने चाहिए और हम एक वापस से ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि पीडीएफ में होना चाहिए, गूगल फॉर्म में होना चाहिए, मैक्सिमम टीचर्स उससे फैमिलियर है, लेकिन फिर भी नए नए इनोवेटिव्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम एक शेयर किया था, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा कि हम हमारे बच्चों को नरिश कैसे करें। द मेजर प्रॉब्लम इज दैट वी कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हैविंग लो परफॉर्मर, जो क्योंकि सभी के 70% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, स्पेशली 9th और 10th क्लास में ऑनलाइन एग्जाम जब भी होते हैं, तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे उन बच्चों को कि जो लो परफॉर्मर है। तो उसके लिए हमने प्लानिंग है, हमारे दिमाग में है, और हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम अच्छी चीजें तभी शेयर कर पाते हैं कि कैसे उन बच्चों को हम ऑनलाइन मोड में भी कैच कर सकते हैं। ये तरीके है सर मेरे पास, तो मैंने शायद नरेश सर लास्ट टाइम शो भी किया था। हाँ जी, हाँ, तो सर उसको कभी फिर बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मैं तो यही कहूंगा। मनोज सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा। तो सर आई थिंक सो वी शुड बाइंड अप टुडेज मीटिंग, एंड मेरी तरफ से तो मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूंगा। अंजू मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सर, आई वाज जस्ट सेइंग थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेश सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। So I also shared my number on the chat, and all of you can please note it down before we wind up, so so that you can join, and if you have any query you can ask later as well. Yeah. And you can also share this number with any of your friends or those who want to join the group, so that we can also share the information so that they can also join. Okay, sir. Yeah, everyone has noted down the number, I hope, before we wind up. Yes, sir. Okay. So, any other query, sir? Can we leave now? Thank you, Parmin ji. Thank you, Nayesh sir. Thank you, Sunil sir. Thank you, and your motivation always give us a. अरे सर देखिए, initiative करना बहुत बड़ी चीज होती है, और आपने जो initiative किया, definitely अपन आगे तक जाएंगे. Yes sir, definitely, and you can check it out, Sunil sir, कि last time जो कुछ गलतियाँ कमियाँ रह गई थी, वो इस बार बहुत modified करी है PDF जो मैंने share किया उसमें भी, और आगे और भी करते रहेंगे. दिख रहा है. सर बस अभी क्लास यही है कि अपन को कंसिस्टेंट रहना है, अपन ने काम शुरुआत करना तो कर देते हैं, शुरुआत तो कोई भी कर देगा, उस काम में लगे रहें, दूरदर्शिता अपनी देखें कि अपन को कितने फायदे होने वाले हैं इस चीज के क्या लॉन्ग रन में, तो ये अगर अपन ध्यान रखें और अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो करते रहें तो हम बहुत आगे जाएंगे बिल्कुल सर। पर सर कभी कभी थोड़ा सा लगता है, तो आप सब जैसे ऐसे बोलते हैं ना मोटिवेशन वाले, बहुत अच्छा लगता है, तो ये अब लगता है कि आप यार और जोश से करेंगे इस चीज को अपन थोड़ा सा, है ना। तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा लगा, और हर बार आप जुड़िए ताकि अपन कुछ और मोटिवेटिंग चीजें अपन बात करें और शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राजेश सर नमस्कार, संतोष सर, हाँ जी।